बड़ी सुंदर जगह है यार, नेशनल पार्क। एलिफेंट राइड के लिए भी यहीं से जाते हैं। कितना गहरा भी है ये देखो भाई साहब, हाथी जो है ये रिवर क्रॉस कर रहा है, ये एलिफेंट राइड के लिए जा रही है लोग। तो इस तरफ से अपना परमिट लेने जाना है अपने को, ये ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करके ऐसे कूद जाएंगे भाई, क्योंकि ये गेट बंद है और परमिट ऑफिस इधर ही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं हूँ दोस्तों चितवन डिस्ट्रिक्ट में। ये एक गाँव है सोरा विलेज, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैं यहाँ पर आ गया था। बड़ी सुंदर जगह यार चितवन नेशनल पार्क। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपना परमिट लेने के लिए, जो कि सभी इंडियंस को परमिट की ज़रूरत होती है। परमिट के चार्जेस हैं 1000 रुपये, ये फॉर्म फिलअप करना होता है और ये आ गया है, यहाँ से परमिट लेना होगा हम लोगों को। ये है दोस्तों परमिट ऑफिस और इसके टाइमिंग जो हैं सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है और फिर दोपहर को खुलता है भाई 12 से 6। तो गाइस फाइनली अपना परमिट मिल चुका है हमें, ये देखिए ये है परमिट और परमिट ऑफिस आप लोगों को दिखाई दिया मैंने। इधर से निकल जाते हैं भाई जंगल वॉक के लिए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हो, लाइक जंगल वॉक जा सकते हो, जीप सवारी जा सकते हो, एलिफेंट राइड जा सकते हो। और अभी जो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ कैनोइंग के लिए, और ये परमिट चाहिए होता है भाई। जो अपने होटल वाले भैया ना बड़े अच्छे हैं यार बंदे, मुझे वहाँ पे कह रहे थे परमिट लेके आओ फटाफट, मैं तुम्हें अपने आप से छोड़ दूंगा, नहीं तो ऑटो वाला भी जो है टुक टुक वाला 700-800 रुपये लेगा आप लोगों को यहाँ से ड्रॉप करने के। हाँ स्टैम्प लग गया, देखो चेक करो एक बार, ठीक है ना, यहाँ लगाना था यहाँ हाँ, नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलिए गाइस चलते हैं, अपने भैया रेडी हो चुके हैं और चलो चलते हैं भाई। तो भाई फिलहाल तो हम लोग अभी यहाँ रुके हैं क्योंकि कैनोइंग के लिए ना यहाँ से टिकट खरीदना पड़ेगा। तो अंदर भाई गए हुए हैं टिकट खरीदने के लिए, यह है सामुदायिक केंद्र है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो कैनोइंग होती है ना ये होती है बफर जोन में, तो ये चितवन नेशनल पार्क के अंदर नहीं होती है, उसके बाहर होती है। चितवन नेशनल पार्क के ना अंदर सिर्फ जीप सफारी होती है और जीप सफारी जो है बाहर भी होती है। ये आपका बागमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट है। अच्छा, पहले जो रॉयल आदमी लोग आता था ना जी जी हंटिंग ट्रॉफी के लिए, हाँ। इधर शेर को मार के ब्रेकफास्ट बनाता था। अच्छा, बाघ मारा बफर जोन। अच्छा, तभी इसका बाघ मारा नाम रखा, बाघ को मार के ब्रेकफास्ट बनाता था भाई साहब, बाघ मारा नाम है। दिखाओ टिकट, टिकट टिकट ऐसा होता, ये देखो टिकट ले लिया है भाई ने अपना, ये टिकट है। चलिए चलते हैं। एलिफेंट राइड के लिए भी यहीं से जाते हैं। ये अच्छा लोकेशन है बोटिंग के लिए। दोस्तों आप लोगों को एलिफेंट राइड भी करनी होगी ना, ये देखो यहीं से होगी, ये बफर जोन से में होती है एलिफेंट राइड और कैनोइंग। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है आ चुके हैं कैनोइंग पॉइंट पर, यहाँ से अपनी कैनोइंग स्टार्ट होगी। और चलो उधर दिखा के आता हूँ आप लोगों को नदी के किनारे। ये कौन सी नदी है? इसको हम लोग खवेरी बोलता है लोकल आदमी लोग। हाँ हम लोग बोलता है खगड़ी। खगड़ी खवेरी क्यों बोला कि? अच्छा अच्छा, ये खाता था ये नदी आदमी को खाता था पहले। अच्छा, वही वो आदमी लोग बूझता था। जी जी जी, दैट टाइम एट दैट टाइम दे अंडरस्टैंड दैट दिस रिवर ईट सम टाइम पीपल यू नो। ओके, इसलिए देयर वाज वेरी बिग बिग लीचेस। अच्छा, when they go like this, हाँ, and you can't pull it. वो धस जाता था उसमें? नहीं नहीं, वो अच्छा वो निकाल नहीं पाते थे उनको, नहीं वो वाला लीच होती थी। समझ गया। और क्रोकोडाइल्स भी होता था पहले, क्रोकोडाइल थोड़ा कम था अभी ज्यादा है क्रोकोडाइल। ये देखो भाई साहब, हाथी जो है ये रिवर क्रॉस कर रहा है, ये एलिफेंट राइड के लिए जा रही है लोग। Thank you.
चलो जी दोस्तों बैठते हैं अपनी बोट में। ये देखो भाई कितने लोग हैं। पानी देखो भाई सफेद है भाई। हाँ बिल्कुल साफ है। और ये अपने राम भैया। हेलो भैया कितना गहरा भी है इधर? एक चार फीट पाँच फीट सब एक ही। अच्छा चार पाँच फीट अंदर डीप होगा क्या? हाँ डीप भी है इधर। अच्छा तो अभी तो ये मतलब चार पाँच फीट ही है भाई अंदर जो है डीप बता रहे हैं राम भाई। और अपनी बोट चल चुकी है। तो दोस्तों इसका भाई इसमें ना बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल भी हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ क्रोकोडाइल दैट वन इज अ मास मगर। अच्छा अच्छा That one is the most dangerous. They eat everything. They survive everywhere. अच्छा। Sometimes they hunt by also jungle. They another one is घड़ियाल। हाँ घड़ियाल। हाँ that one is not dangerous. They eat only fish. हाँ हाँ। Sometimes they crocodile attack for the people. They bite only for the bite, not eat by the people. अच्छा हम अब attack तो नहीं करेगा अगर हम चल रहे हैं? नहीं नहीं। तो भाई साहब दो तरीके के crocodile होते हैं राम भाई बता रहे हैं। Hello. देखो ये रहा है। ये रहा भाई साहब। That one is dangerous. They eat everything. They survive everywhere. They live clean water and dirty water and water hole everywhere. We call the mass mugger. This another one is घड़ियाल। हाँ तो ये लोग वापस जा रहे हैं दोस्तों और उधर से फिर सबको बैठा के लाएंगे। ये देखो देखो हमारे चारों तरफ ना जंगल ही जंगल है। और अपनी जो बोट है पूरी भरी हुई है इस टाइम पे। कितने लोग आ जाते हैं इसमें बोट में? 10-15 आदमी। ये बड़ा है ना बोट? हाँ 10-15 लोग होंगे यार पूरी भरी हुई है। इधर पानी में टच मत करो। अच्छा इधर डेंजर है? इधर डेंजर है भाई इधर टच नहीं करेंगे। वो ये कितने किलोमीटर का होता है ये ट्रेल? 45 मिनट्स का। अच्छा तो भाई 45 मिनट्स की अपनी ये जर्नी है और काफ़ी पीसफुल है भाई। अब इतनी शांति में अपनी जो है ये बोट जा रही है। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। फिलहाल तो एकदम मस्त जगह से जा रही है भाई। ये है दोस्तों ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये नाइट टावर है। यहाँ पे आप लोग स्टे भी कर सकते हो। 1000 रुपये है नेपाली रुपीज़। और आप लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो भाई। देखता हूँ मैं प्लान करूँगा अगर हो सका तो रुकूँगा क्योंकि रात में ना भाई यहाँ पे जो है सारे में बहुत सारे जो है जानवर देखने को मिल सकते हैं। जीप सफारी में मेरे ख्याल से राम भाई जीप सफारी में इतना नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे बाघ वगैरह देख सकते हैं? नाइट में कभी कभी मिलता है शेर। अच्छा राइनो तो मिल ही जाएगा। राइनो तो मिल ही जाएगा। देखते हैं भाई राइनो और क्या क्या मिलेगा देखते हैं। नॉट श्योर प्लान नहीं करूँगा नहीं करूँगा। मन है वैसे मन हो गया है देखने का। चलो भाई फाइनली अपनी जो है स्टॉप आ चुका है। और ये देखो यहीं तक का था। बढ़िया था ये जर्नी बढ़िया थी अपनी मज़ा आ गया। आज को ज़्यादा देखने को मिला नहीं मगरमच्छ के अलावा दो तीन मगरमच्छ थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना डीप है ये देखो। और बता रहे राम भाई आगे चले जाएंगे तो और थोड़ा गहरा हो जाएगा भाई इसलिए इन लोगों ने ना यहीं तक रोक रखा ये। चलिए भाई मज़ा आया एकदम बढ़िया बोट राइड थी। और अभी हम लोग जो है ना एलिफेंट फीडिंग सेंटर ही जा रहे हैं इस जंगल के बीच में से। ये देखो और बड़ी शांति है भाई इस तरफ। उस तरफ अपने आ जाएंगे वो होटल वाले भैया वो मुझे पिक कर लेंगे वहाँ से। लेकिन उससे पहले ना हम देखने हैं चलते हैं एलिफेंट फीडिंग सेंटर।
हालांकि वो तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे भी दिखा दिया था अपने होटल के पास में जो है, और जब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पे बेबी एलिफेंट भी होंगे, वहाँ पे बेबी एलिफेंट नहीं थे ना भाई, तो देखते हैं मज़ा आएगा। तो भाई फ़िलहाल आ चुके हैं देखो एलिफेंट फीडिंग सेंटर पर, और ये देखिए कितने सारे हाथी हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे, अरे कितने क्यूट लग रहे हैं भाई। चलो पास से दिखाते हैं। भाई सब बच्चे हरामी है, छोटे छोटे राम भाई जो है ना मगरमच्छ के भी बच्चों को हरामी है। देखो यार कितना छोटा सा बच्चा है, कितने साल का होगा ये? 20 दिन का है। 20 दिन का? 20 दिन का है, कोई एक महीना का है, कोई 2 महीना का है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है। अरे क्या बात है, देखो यार 20 दिन का हाथी। इधर बहुत छोटा सा हाथी था, लेकिन किधर का मालूम नहीं। ये भी बहुत छोटा है, 20 दिन होते ही कितने हैं भाई, 20 दिन में ही चलने लगा। चले गए, एक दिन में उठेगा ये। अच्छा, बकरी के बच्चा जैसा है। अच्छा अच्छा, गिरेगा तो भी तकरेगा। अच्छा, तो आदमी के बच्चा जैसे नहीं है, 1 साल 2 साल ये नीचे का गिरेगा। अच्छा, ये देखो भाई, ये देखो इन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं यहाँ पे साथ के साथ। अभी किधर जा रहे हैं ये लोग? जंगल जा रहे हैं। जंगल देखो यार, अरे ये फीमेल है दोस्तों, ये देखो ये फीमेल एलिफेंट है, और इसके 2 बेबी, एक और ज्वाइन हो गया। क्या बात है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना। ये थोड़ा सा बड़ा, ये वाला, इसको तो बांध दिया जंजीरों से। गजराज, ये देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से, और इनकी आंखें देखो। ये देखो ये देखो भाई, इसे खानी है घास, लगी है भूख। हेलो, खाने के लिए? अरे अभी तो कुछ है नहीं। खाने के लिए मांग रहा है भाई ये कुछ। अच्छा अच्छा, मनी भी ले लेगा ये, आपको दे देगा। ये लो भाई, ये लो जी, ये लो खा लेना। उल्टी सीधी चीजें मत खाना। भाई साहब कितना स्मार्ट हाथी है, देख रहे हो, पैसे लेके मालिक को दे दिए। ये देखो सबसे पैसे ले लेगा, क्या स्मार्ट बॉय। प्यास लग रही है भाई साहब, पानी ले लेते हैं। हेलो, 1 वाटर बॉटल। ये रही, ये देखो इतनी सारी आइसक्रीम रखी हुई है भाई साहब। ये कौन सी है, ये कौन सी कुल्फी? चलो कुल्फी लेते हैं। तो यार आप लोग यहाँ पे कुछ खा भी सकते हो, यहाँ पे एक शॉप भी है, तो फिलहाल मैंने ये कुल्फी ले लिया, और राम भाई को फैंटा ले लिया राम भाई ने। अच्छी यार कुल्फी, टेस्टी है भाई, अरे कुल्फी ज़रूर ट्राई करना। आपने खाई है? हाँ, अच्छी है, इधर का लोकल कुल्फी है। अच्छा, लोकल कुल्फी यार। तो दोस्तों ये है सस्पेंशन ब्रिज, और भाई इस पे से क्रॉस करके ना मुझे उस तरफ जाना है, क्योंकि उस तरफ खड़े हैं अपने लामा भाई, और वो मुझे पिक करके अपने होटल में छोड़ देंगे, और फिर मेरी है 1 बजे से
जीप सफारी, तो वो करेंगे अब। और ये आपने देख लिया भाई, एलिफेंट फीडिंग सेंटर। ये आ गया सस्पेंशन ब्रिज, देखो यार कितना छोटा सा ब्रिज है भाई, हल्का हल्का हिल रहा है यार ब्रिज, काफ़ी है तो अच्छा। और ये व्यू है यार सस्पेंशन ब्रिज से ऊपर का, रिवर व्यू। पानी अच्छा है यार इसका, काफ़ी सुंदर पानी है और काफ़ी साफ़ सुथरी है। लोगों ने इसको गंदा नहीं कर रखा, ये सबसे बड़ी बात है यार, नहीं तो काठमांडू में जो थी बागमती रिवर कितनी गंदी थी, आप लोगों ने देखा ही। ये बड़ी अच्छी है और ठंडी भी है भाई पूरा। इस टाइम बीचों बीच में आ चुका हूँ मैं और ये पूरा ब्रिज हिल रहा है यार, ये देखो। इधर बने हुए हैं छोटे छोटे हट्स वगैरह, ये पूरा है यार। आज का अपना एक्सपीरियंस यही था, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मज़ा बहुत आया मुझे सच में। तो उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अब मैं जा रहा हूँ जीप सफारी करने, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो ये भी ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई होगी। तो जीप सफारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, और इस वीडियो को फिर हम लोग यहीं एंड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।